करो, शर्म करो, शर्म करो, सेना के नाम पे राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निवीर वापस लो। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने, एक रिटायर्ड, हमको पता है कि वहां पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है, जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना। सर, अग्निपथ को लेकर विरोध हो रहा है। अग्निपथ देखिए, ठेकेदारी पे कभी हमारे आर्मी को रखा नहीं जाता। ठेकेदारी पर काम करने वाले और ही लोग हैं, गुलामों को रखा जाता है ठेकेदारी पर, और भी लोगों को ठेकेदारी पर काम दिया जाता है। लेकिन जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पर नहीं रखता। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है, किसी को पता नहीं। भारतीय सेना के, भारतीय सभी तीनों सेना दलों का ये, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं जो चल रहा है। पूरे देश में आग लगी और ये आग बढ़ती जाए। सर, राजनाथ सिंह दस मार्च 2021 को हमने फिजिकल पास किया और 11 मार्च को हमारा मेडिकल हुआ। उसके बाद 25 अप्रैल को एग्जाम का डेट मिला, फेल हो गया। फिर आगे कोरोना का बहाना करते हुए इस एग्जाम पोस्टपोन होते गया। बोला आगे क्या है, सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है पुराना व्यवस्था से फिर से भर्ती हो और टीओटी व्यवस्था पूरा रूप से रद्द करते हैं और एग्जाम का सी एग्जाम जल्द से जल्द ले और टीओटी पूर्ण रूप से। चार साल वाले नौकरी से खुश नहीं, विरोध कर रहे हैं। अगर आर्मी का 4 साल एग्जाम हो तो नेता सबको 2 साल कर दिया जाए, मात्र 2 साल नेता सबको मिलना चाहिए। नेता सबको पूरा रूप से 2 पेंशन 3 पेंशन मिलता है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। देखिए खासा, बहुत ही गुस्साए हुए हैं यहाँ पर छात्र। आप देख सकते हैं कि अभी हालत यहाँ पर एकदम बिगड़ने की स्थिति में है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी देखते रहे आप News24। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, कटिहार से। नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में, 50 दिन में 60 बार। जीएसटी आप ले आए बिना सोचे समझे, 10 महीने में 376 चेंजेस इन जीएसटी इन 10 मंथ्स। ये बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे वो 1 साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। CAA 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं, अभी 3 ही दिन हुए। तो आप सबके माध्यम से हम फिर
फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान के नौजवान में कूट कूट के भरी है, इसीलिए फौज, करोड़ों नौजवानों के लिए फौज में जाकर देश की सेवा करना सबसे पहला लक्ष्य होता है उनके जीवन का। वो शारीरिक रूप से प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर मैदान में जाता है, तैयारी करता है कि एक सरकारी नौकरी पक्की मिलने का अगर एक रास्ता है और देश की सेवा करने का एक रास्ता है तो फौज में जाने का रास्ता है। ये कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो इनका वायदा था जिसमें विफल हो गए और देश में आज देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये उस अपने वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं और ना सिर्फ वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं मगर उसमें विफल हो गए तो 10 लाख रोजगार देने का इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। हम आग्रह करना चाहते हैं नौजवानों से कि संयम रखें, हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी, भर्ती खुलेगी इस देश में जैसा आप चाहते हैं वैसी भर्ती खुलेगी। देशभक्ति की भावना होना इस देश में ऐसा लगता है कि गुनाह हो गया इस सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुसार ये सोचते हैं कि कमर्शियल कारणों की वजह से लोग फौज में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, आगे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे फौज को चलाएंगे। देश की सुरक्षा, देश की फौज और देशभक्ति की भावना में कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता, ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, देश की सरकार से कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, आप राजनीति करें, आप हर विषय पर राजनीति करें लेकिन आप बराए मेहरबानी फौज पे राजनीति ना करें। देश की सुरक्षा और फौज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। राजनीति का अर्थ जिस बात पूरे राष्ट्र को कॉन्फिडेंस में लेकर सहमति बनाकर, क्योंकि इस देश की सुरक्षा में जब कोई अपनी शहादत देता है बॉर्डर पे तो ये नहीं देखा जाता वो कौन से राजनीतिक दल का है, कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, कौन सी भाषा भूषा का है, वो एक होके देश के लिए लड़ता है। उसमें आपको कहाँ कमियां दिखाई पड़ती है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि आप डिसिप्लिन होकर आर्मी से निकलेंगे, आपके पास और जगह पर नौकरी करने के बेहतरीन मौके होंगे। सर मेरा सपना है एयरफोर्स का, यदि यूपी पुलिस में मुझे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या सीपीएफ में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूँ? मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊँ? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ? सर मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का और ये सपना ही 4 साल में पूरा कर देंगे। सर आप देखो, आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाके तैयार होता है और ये 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या है सर ये बात? कुछ और बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप जो बता रहे हैं उनको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी? सर 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पे जब बर्फ जितने तो वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है सर, उनमें जो हमारे फौजी भाई चलते हैं उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सर वे 6 महीने में सारी ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लेंगे। और मेन बात, यदि मेरी 4 साल में गया उसमें और मेरी 3 साल होगी और सामने मुझे दिख रहा है कि लड़ाई होने लग रही, तो मेरे जैसे बंदे कुछ ऐसे भी है कि वे 1 साल के ऊपर अपने सीने के ऊपर गोली से छोड़ के भी आ सकते हैं। सर देशभक्ति इससे कम होगी तो सर, इसलिए मैं तो सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाए और पहली वाली भर्ती के अनुसार और जो ये सुधार किया जाए। और राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो बाकी आपकी आम पुलिस फोर्सेस हैं उनमें भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। सर मैंने आपको बताया तो है सपना एयरफोर्स में जाने का, आर्मी में जाने का, वो हमारा पुलिस में नहीं है सर। तो इस वजह से हम जाए क्यों? यदि हमें जाना होता तो अब जैसे यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं, डायरेक्ट ना भर लें, क्यों हम इतना घूम फिर के? हमारे साथ कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार जी, जिस तरीके से रक्षा मंत्री फिर से रिव्यू कर रहे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, आपको लगता है कि कुछ उम्मीद है कि इस कानून को वापस लिया जाएगा? देखिए, जब कोई चीज़ शुरू में ही उसकी नींव ही खराब हो जाए ना तो रिव्यू कितना बार कर लीजिए। आप मकान बना रहे हैं और नीचे कुर्सी टेढ़ा दे दिए हैं तो मकान टेढ़ा होगा, बार बार तोड़ करके उसको सीधा करने का प्रयास कीजिएगा, वो सीधा होगा नहीं। हमारा यही कहना है कि यह सरकार इस देश के नौजवानों के भविष्य को लेकर के सीरियस नहीं है, यह सरकार इस देश के किसानों को लेकर के सीरियस नहीं है, यह सरकार इस देश के व्यापारियों को लेकर के सीरियस नहीं है। व्यापारियों को लेकर के सीरियस होती तो 36 बार तो ये GST में जो अमेंडमेंट कर चुके हैं,
नोटबंदी के सारे दावे फेल हो गए हैं। 99% से ज़्यादा पुराना 500 का और 1000 का नोट वापस आ गया। सेना भर्ती के मामले में भी यही प्रक्रिया को इनको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत तरीके से इसकी शुरुआत की है। सबसे पहला सवाल ये कि इसकी ज़रूरत क्यों है। लोगों ने कहा कि नई प्रक्रिया ले आइए, जब पुरानी प्रक्रियाओं को करने में ये सक्षम नहीं है। 2 साल हो गया है सेना में भर्ती नहीं हुई है, जहां हर साल 50,000 से ज़्यादा भर्तियां होती थी। तो उस बात को छुपाने के लिए ये एक नया लॉलीपॉप लेकर के आए कि आप भरी जवानी कैसे अभूतपूर्व हो जाएंगे, इसका व्यवस्था करके लाए हैं। लेकिन उसकी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उससे सरकार नजर चुरा रही है। व्यवहारिक दिक्कत क्या है, आपको पता है कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग थे उनको बहाल नहीं किया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और जहाँ तक भर्ती को पूरा करने का सवाल है, सिर्फ केंद्र सरकार के पदों के ऊपर जो है 28 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। तो ये देश के नौजवानों के रोजगार को लेकर के सीरियस नहीं है। इसीलिए ये वो नौजवान हैं जो सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, इस बात को समझिए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया है तो ये विवश हैं विरोध करने के लिए। तो सरकार रिव्यू व्यू बंद करे, ये रिव्यू का नाटक बंद करे, सीधे तौर पे देश के युवाओं को, यह जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने वाला योजना है, बिना लाग लपेट के इसे वापस। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, कल संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके घर को तोड़फोड़ किया गया, बीजेपी के नेताओं को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए हिंसा किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं। और वो बिहार है, बिहार जहाँ सिद्धार्थ आए महात्मा बुद्ध हो गए, मोहनदास करमचंद आए वहाँ गांधी हो गए। तो बिहार ऐसा नहीं है कि हिंसा को बहुत सपोर्ट करने वाला राज्य है। वस्तु स्थिति हमको समझना पड़ेगा। वस्तु स्थिति ये है कि बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से दुगनी है, और हर डिपार्टमेंट की कमोबेश यही स्थिति है। आप रेलवे देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, कमोबेश हर जगह यही स्थिति है। इसीलिए इन नौजवानों का सब्र जो है उसका बांध टूट गया है। फिर भी हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके अपने न्याय और अधिकार के लिए लड़ें, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा, आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग की, या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गाँव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अपटू 25%, ध्यान रखिएगा, यह है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अपटू 25% क्या होता है, मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी, बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है। छात्र आंदोलन का आज 4th दिन है, इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव है। ये बताइए सर कि छात्र आंदोलन में आपका क्या काम है? हमको तो समझ में नहीं आता है, पटना के बाढ़ में हम आपको पैसा पहुंचा रहे थे, मेरा क्या काम था? तब तो नीतीश और मोदी का काम था। आपको बोलने में जी नहीं गलता है, कोरोना में 34 करोड़ रुपया हर मजदूरों को पहुंचा रहे थे, वो तो मोदी का काम था, उसमें मेरा क्या काम था? हर आदमी को जब कोई मारता है वहां पप्पू यादव जाकर के पैसा जब पहचता है, उसमें मेरा क्या काम है? जब TT, BT, STT, RBI में जब लड़ाई होती है, और वहां हम क्या यहां पर आए? आंदोलन के नाम पर जो छात्र आगजनी कर रहे हैं, आपको लगता है कि सही है ये? हमको तो समझ में नहीं आता है, सत्ता के लिए
जब मियां और हिंदू होता है, अबाभन भूमिहार राजपूत होता है, भूराबाल होता है, गुजराती मराठी बिहारी होता है, नुपुर के बयान पर लाखों लोग मर जाते हैं, जाट आंदोलन और गुजर आंदोलन और आरक्षण और स्वर्ण आरक्षण और मंडल कमंडल में लाखों मार करके सत्ता पर जाते हो, तब इस छुछुंदर सबसे नहीं पूछते हो? हमको आप ये जवाब दे दो ना, इन नेता सबसे क्या कमी क्या है, अग्निपथ में कमी क्या है, अरे किसान में कमी क्या थी, क्यों वापस ले ली? 48 लाख लोगों को कोरोना में मार क्यों दिए? नोटबंदी जीएसटी में क्या हो गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, सब कुछ थे, 2 लाख रुपया कहां गए जनता के? नहीं, अभी जो बात हो रही है, अभी अग्निपथ को लेकर बात हो रही है, तो उसमें कमी क्या है? 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी मिल गई, लॉकडाउन के बाद 32 करोड़ का बेरोजगार चला गया। आप हमको बॉर्डर पर पहुंचा दोगे, 6 महीने के बाद 3 साल के बाद रिटायर करोगे, 10वां साल हमारा ब्याह होगा, पत्नी बोलेगा लड़का नौकरी में नहीं है। आप कहते हो 25%, इस 100 में निकलेंगे, किसको 25 में आएगा हम पहले से असर्टेन है। तो हम बॉर्डर पर गोली चलेगी तो हमारी बीवी और बाल बच्चा याद रहेगा, हम उसको कुछ नहीं है, उसको ना रेलवे ना बिजली ना दवाई कुछ नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो दिल से वहां होगा, मन से वहां होगा, क्या आप उसके भीतर असर्टेनिटी नहीं है? आप तो वन नेशन वन एजुकेशन और हेल्थ की बात करते थे, वन टैक्स की वन पेंशन की बात करते थे, तो फिर संविदा और जो देश विरोध कर रहा है और पुराने पेंशन को लेकर के बात हो रही है, तो आप इसके पहले जितने फौज थे क्या वो वीर नहीं थे? लेकिन अपनी मांगों को लेकर आपको लगता है कि ये आंदोलन करना, तोड़फोड़ करना ये ज्यादा जरूरी था? सर हरियाणा में बच्चे आत्महत्या करना ये किसने किया? मनोज झा के पूरे परिवार को आत्महत्या करने पर विवश किसने किया? तोड़फोड़ जरूरी नहीं है, इसको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए, युवा आंदोलन करे लेकिन जलाए नहीं। लेकिन बीजेपी के एमएलए मंत्री झंडा लगा करके, औकात है 56 इंच की सीना है तो यूथ के पास जाके इस वीर के बारे में बता क्यों नहीं रहा? चैनल पर बैठ के युवा को गाली, कभी सिख को गाली, कभी दलित को गाली, कभी किसान को गाली, इन लोगों का तो हंस ना पिल्लू फड़ेगा। तो पप्पू यादव भी तो राजनीति करने आया है ना छात्र के नाम? सर पप्पू यादव यदि आपको राजनीति लगता है ना, तो मैं समझता हूं कि आप इंडियन नहीं, आप भारतीय नहीं। पप्पू यादव अपनी जिंदगी गंवा करके, बच्चे से लेकर के 56 साल मेरी उम्र हो रही है, मैंने इंसानियत को देखा, चाहे जो कब तक साथ देंगे छात्र आंदोलन का, छात्रों जब तक उस पर लाठी और उस पर उसकी व्यवस्था चोट करेगी। पहले ही हमसे 16 करोड़ नौकरी छीन ली है, हमारे घर में 1 रुपया नहीं दिए, सब कॉरपोरेट पे दिए, और ये अदानी को बढ़ाने की पूरी तैयारी इन्होंने की, किसी किसान को नहीं, इनकी ईडी और सीबीआई ही इनके पास सब कुछ है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से और गोली खा के डरने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ इनको इतना कहेंगे कि आप 25,000 पेंशन दे दो या गारंटी दे दो कि इनकी नौकरी निकलते ही फाइनल है, और ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दो, 17 साल ना करो तो 8 साल करो, और एक कानून और लाओ कि पीएम सीएम भी 8 साल ही होगा, यह कानून लाओ, एमएलए एमपी मंत्री जब तक है तब तक तनख्वाह मिलेगी, और जाते ही ना तो उनको पेंशन हो, ना रेलवे ना बिजली कोई फ्री ना हो, हम देश को उस जवान के हाथ में सुरक्षित रखें। ये राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी लोग हैं, आरएसएस तय करती है कि क्या करना है। आज तक 8 सालों में ना तो किसान ना तो हमारे साथ थे पप्पू यादव। सबसे बड़ी बात है कि यह छात्र के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं, आप देख सकते हैं पूरे डाकमंगला चौराहे पर इनके जो कार्यकर्ता हैं वह जमा हो चुके हैं और पूरे यातायात को बाधित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का जो आंदोलन है वह बिहार में आज 4th दिन है और भी ज्यादा, यानी पहले से कहें तो और भी ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24। लिखी होगी जिसने किताब छापी होगी दोनों के खिलाफ होगा। कौन सी किताब है पता नहीं, राष्ट्र राजदेव बता रहे को राजदेव अग्निपथ को लेके भी। अग्निपथ में 30 तारीख में जिला मुख्यालय पर हम जाएंगे, प्रदर्शन होगा, वही ज्ञापन देंगे, वहाँ उस दिन रहेंगे, बट्ठे क्या रहेगा अगला निर्णय वहाँ से ही लेंगे, जैसे बच्चे चाहेंगे हम ऐसे करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहें और हम बच्चों के साथ में पूर्ण रूप से। 4 साल की नौकरी नहीं होती, 4 साल का तो बहकावा और कागजों में लिखी जा, 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? विधानसभा एमपी एमएलए 4 साल में ये कोई प्रस्ताव जा सकते हैं कि हम एक बार लड़कर दोबारा नहीं लड़ेंगे? ये भी ले आवे अपने को और ये भी पेंशन नहीं लेंगे, 4 साल का कर दे,
पांच साल का ही रखना, लेकिन ये करता है जो एक बार लड़ेगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा। हम ये प्रस्ताव भी ले आए और कोई पेंशन नहीं लेंगे। हम भी सोच लेंगे भाई पॉलिटिकल आदमी भी चार साल ही रहेगा, ये चलेगा नहीं देश में। देश संविधान से उससे चलेगा, देश ये नहीं कि जो कुछ ये कहेंगे उसी से ही चलेगा। ये तो जनता है, कल को कोई मार्च भी कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक जाएंगे मार्च करके जाएंगे। इसके अलावा कौन और कौन से विचार में यही है? और तो गन्ने के हैं यहाँ पे 100 करोड़ रुपया हरियाणा का है, उत्तराखंड में उस पर है, हरियाणा उत्तराखंड के बारे में बातचीत हुई कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे दी जा, तो बहुत से इशू यहाँ पे है, जल पे है, एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, वो सारे इशू हैं, वो हम कल जारी करते हैं। सर एक बात कही आप, यहाँ तो किताब छटेगी नहीं तो रोड़ा होगा हमारा, शाखा हमारी भी लगेगी वही लाठी के साथ भी लगेगी, हमारी भी लगेगी शाखा, हाँ हमारी भी लगेगी शाखा भाई। या तो ऐसा छाट लो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो, नहीं तो भाई हमारी भी शाखा लगेगी भाई, हम भी किताब बांटेंगे ना, फिर हम भी बांटेंगे। किसान की लाठी तो परमानेंट है, तो फर्जी राख रहे, ये जहर घोलने का काम करते हैं, इसका तो आज पता चला। मतलब हमारे खिलाफ छाप दी, क्या है इनकी सोच, क्या है इसके पीछे और इनकी सोच? तो भाई जो कई एक निर्णय उनको वापस लेना पड़ा उसकी वजह सब नहीं नहीं, ये तो पहले से ही लग रहे हैं भाई। जिन्होंने शांति का पुजारी महात्मा गांधी उसकी हत्या कर दी तो उसकी पूजा कर रही है, ये पूजा पाठी तो लगते हैं, ये ऐसा तो लगते हैं कि जैसा बहुत पूजा पाठ वाले हैं मंदिरों में जाते हैं, लेकिन ये जो कुर्बानी देते थे मंदिरों में जो बलि प्रथा थी, ये उस परिवारों से हैं, ये बलि प्रथा वालों से हैं, ये पूजा पाठ तो करें लेकिन ये बलि प्रथा वालों से हैं। मतलब हमारे खिलाफ छाप रहा क्या, क्या है उसमें किताब? उसमें ये कह रहा क्या कि हमने खालिस्तानियों का समर्थन करा और हम खालिस्तानियों के साथ में हैं भाई। वो बता दे कहाँ कहाँ है, हम किसके साथ में, क्या सबूत है वो बता दे। क्या देश में पूरे सरदार खालिस्तानी है? वे खालिस्तान जाए, मुसलमान पाकिस्तान जाए, हम कहाँ जाए हमें बता दो। जिसने भी हमारे खिलाफ वो करा है हम उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, आरएसएस की शाखा का पूर्ण रूप से वहाँ पे विरोध करेंगे जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आता। कितनी किताबें बांटी हैं, अगले लेख में हमारे परिवार के बारे में जो छपा है, संगठन के बारे में छपा है।